ओके दोस्तों, तो खाने के ऑयल को कैसे इफेक्टिव तरीके से इस ब्रश के मदद से, आप सिलिकॉन ब्रश के मदद से जो है खाना वगैरह बना सकते हो। देख लो, पहले तो इजी टू पोर है, ऑयल को ऐसे डालो, उसके बाद जो है इसको रबर को ऐसे फिट करो, इसके पाइप करो, उसके बाद जो सिंपली से पंप करो और जितना भी आपका ऑयल चाहिए वो जो है यहाँ पे जो खींच लेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके बाद क्या होगा कि आप जो सिंपली ऑयल को ऐसे जो है पंप करके जो है कढ़ाई वगैरह पे देके जो है आपका कोई भी डिश वगैरह है उसको आप बना सकते हो। तो बस सिंपली आप इसके कढ़ाई के ऊपर ऐसे लगाओ या फिर जो ऐसे घुमा दो उसके ऊपर, या फिर आपका जो भी मीट वगैरह हो गया या फिर जो वेजिटेबल्स वगैरह आप बनाते हो ऑयल को ऐसे ब्रशिंग कर सकते हो, या फिर आप जो ऑयल को ऐसे सॉस में भी लगा के जो है इस तरीके से जो अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब काफी तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट गैजेट मैं बोलूंगा अगर किचन में काम करते हो तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर चेकआउट करना। नेक्स्ट जो गैजेट आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये जो है एक बैम्बू का जो आप ट्रे बोल सकते हो जिसके अंदर आप काफी सारे गैजेट्स को रख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आजकल जो लोग जो टैबलेट्स मोबाइल लैपटॉप वगैरह को काफी यूज करते तो इसके लिए ये बेस्ट है कि इस तरीके से इसको सेट करो, उसके बाद जो टैबलेट को इस तरीके से खड़ा करके जो आप जो है ऑनलाइन क्लास वगैरह या फिर जो है ऑनलाइन जूम कॉल वगैरह मोबाइल वगैरह से रख सकते हो, क्लास वगैरह सब कुछ कर सकते हो। बैम्बू का है, मतलब रीयूजेबल है ना। नेक्स्ट जो यूनिक गैजेट आप देख सकते हो, तो ये जो है कॉफी बनाने के लिए एक तुरंत मशीन आप बोल सकते हो। इसके कैप्सूल के अंदर आपका जो कॉफी का पाउडर है उसको आप लेके डालो, एक चम्मच जितना भी यहाँ पे आता है उस क्वांटिटी में डाल के इस कैप्सूल को जो है फिट कर दो। उसके बाद क्या होगा कि बस आपको इसको अंदर डाल के फिट कर देना, और उसके बाद जो आपको एक जो है अच्छा क्वांटिटी में आपके हिसाब से जो कॉफ़ी बना के देगा ये मशीन, और तुरंत बना के देगा विद इन अ मिनट। तो बेस्ट गैजेट मैं बोलूँगा जो लोग कॉफ़ी लवर्स है। नेक्स्ट जो यूनिक गैजेट आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी कूल इनोवेटिव। तो दोस्तों, आजकल जो लोग काफ़ी ज़्यादा पिक्चर वगैरह खींचते हैं, ये आपको सभी को पता है, हम लोग जो फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा पिक्चर को खींचते हैं और आपका काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट्स भी होता है। जी हाँ दोस्तों, आप जो काफ़ी पिक्चर को इस तरीके से इवाट्रॉनिक जो है एक फोटो फ्रेम है, इलेक्ट्रॉनिक फोटो फ्रेम है, इसके अंदर जो आप अपने फोटो को रख सकते हो, देख सकते हो 10 इंच का है यहाँ पे, और इसमें जो है 16:10 एस्पेक्ट का रेशियो है, 1920:1200 एस्पेक्ट का जो रेजोल्यूशन है यहाँ पे, तो मतलब फुल HD पे आप जो फोटो वगैरह रख सकते हो। वॉल माउंट है, आप दीवार पे टांग के रख सकते हो, पोर्ट्रेट भी रख सकते हो, आप इसको वर्टिकल भी रख सकते हो, मतलब हॉराइजेंटल और वर्टिकल दोनों तरीके से आप रख सकते हो इसको कुछ इस तरीके से। तो मोशन सेंसर है, तो उसके बाद जो यहाँ पे डिस्प्ले में ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे जो आप जो है कस्टम सेटिंग भी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप जो इसके मदद से काफ़ी कुछ कर सकते हो, मतलब आप वेदर वगैरह हो गया, आप सब कुछ सेटिंग वगैरह कर सकते हो। आप देख सकते हो इस तरीके से फोटो वगैरह जो ऑटोमेटिक जो है आता रहेगा एक कंटिन्यू फॉर्म में। उसके बाद जो आप यहाँ पे टाइपिंग वगैरह हो गया, उसके बाद आप वीडियो वगैरह देख सकते हो यहाँ पे, मतलब मोबाइल से पूरा इसको कनेक्ट करके जो पूरा कंट्रोल कर सकते हो इसको, वीडियोज़ वगैरह को। साथ ही साथ दोस्तों, आप जो एंड्रॉयड और iOS दोनों पे चला सकते हो, तो यहाँ पे 16 GB का मेमोरी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे USB चार्जर और के मेमोरी कार्ड लगाने का भी स्लॉट आपको मिल जाएगा, जिससे जो है आप काफ़ी आसानी से जो सब कुछ यहाँ पे वीडियो वगैरह देख सकते हो, वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ कर सकते हो, मतलब एक टैबलेट ही बोल सकते हो, बट ये एक फोटो फ्रेम की तरह भी काम करता है। आप इस तरीके से जो सब कुछ काम कर सकते हो, आप हर वो चीज़ देख सकते हो, मतलब आपका वीडियो वगैरह हो गया, क्लॉक वगैरह भी आप सेट कर सकते हो, अलार्म क्लॉक, उसके बाद आप वेदर वगैरह सब कुछ जो है यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, मतलब इंटरनेट से कनेक्ट करके म्यूजिक वगैरह प्ले कर सकते हो, एवरीथिंग कर सकते हो, मतलब मोबाइल से कनेक्ट करो या फिर टैबलेट से कनेक्ट करो, एंड्रॉइड iOS दोनों, और अपने मोमेंट को घर के डेकोरेट करें। बेस्ट गैजेट मैं बोलूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट जो लास्ट यूनिक गैजेट आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे जो है आप बोल सकते हो इसको इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग एयर ब्लोअर। तो इसके मदद से क्या होता है कि आप हवा के मदद से जो है आप देख सकते हो 26,000 RPM का इसमें फैन है, हवा के मदद से आप कुछ भी क्लीन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, छोटे से छोटे धूल को आप क्लीन कर सकते हो, और इसमें आप देख सकते हो आपका स्मॉल जो डिब्रिस है, उसके बाद जो है डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह DSLR वगैरह इसमें बिल्ट इन, मतलब 15,000 mAh का इसमें बैटरी है, और USB-C इसमें रिचार्जेबल बैटरी, आप USB Type-C से अपने मोबाइल का जो केबल है उसके आप इसको रिचार्ज कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा, मतलब सीधा बोलो तो कैमरा क्लीनिंग पैन आप इसको बोल सकते हो, या फिर जो गैजेट्स को जो छोटे छोटे धूल वगैरह उसको आप क्लीन कर सकते हो। कार्बन लेंस ब्रश है, आपको एडिशनल एक्सेसरीज भी यहाँ पे इसको, मतलब इसके किट में मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो मैग्नेटिक लाइट भी है, बेसिकली बोलूँ तो छोटे से छोटे धूल और आपका गैजेट्स वगैरह को क्लीन करने के लिए तेज़ हवा के मदद से, ये बेस्ट गैजेट मैं बोलूँगा आपका स्मार्टफोन लैपटॉप, उसके बाद आपका DSLR वगैरह लेंस सेप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब आपके लेंस को भी आप सेव रख सकते हो DSLR के, उसका भी यहाँ पे सिस्टम दिया है, बैटरी लेवल इंडिकेटर है, सब कुछ है, रिमूवेबल फिल्टर वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा। बेस्ट गैजेट मैं बोलूँगा अगर हवा की मदद से गैजेट को क्लीन करना, मैं बेस्ट बोलूँगा, फिल्टर भी है, सेंसर क्लीनिंग फिल्टर भी आपको मिल जाएगा। तो इन सारे गैजेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इन गैजेट्स को चेकआउट कर सकते हो, खरीद सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो इस YouTube चैनल को लाइक कर दो। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही मैंडेटरी है, आपको करना पड़ेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में जो घंटा उसे भी दबाइए, और डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, वहाँ से जाके जरूर फॉलो करो। देखने के लिए शुक्रिया आपका।